अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल आप सबका, उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे। तो भाई आप लोग देख रहे होगे कि यार मैं भाई सुबह सुबह रेडी खड़ा हूँ और ये रशीद की गाड़ी भी भाई इस टाइम घर है। तो भाई जान रशीद की गाड़ी भी यार अभी घर है और बाकी की जो हमारी गाड़ियाँ हैं भाई वो चेक करो भाई जान, कुछ हमारी सामने पार्क हुई हुई हैं वो देख रहे हो और कुछ भाई इधर हमारी सर्विस हो रही है। ये देखो ना रशीद साहब भाई गाड़ी को चमका रहे हैं। मैंने तो भाई रशीद को बोला है यार इतनी गर्मी है, लेकिन कहता है नहीं जी गाड़ियाँ बहुत गंदी हुई हुई हैं तो इसलिए भाई अब साफ़ मैं करता हूँ। चलो ये भी अच्छा है यार, रशीद है भाई हमारे पास, हमें टेंशन नहीं है ना भाई जान, रशीद के होते हुए कोई मसला नहीं है भाई, सुकून से यार हमारी गाड़ियाँ जो है ना रशीद ऐसी चमका के देता है। डाले का देखो ना भाई क्या हाल बना पड़ा है, डाला ही चल रहा है भाई कितने दिनों से, और उस दिन ये लोग जब गए हैं भाई उधर यार माल शाल भी लेने तब भी भाई ये भी इस्तेमाल हुआ है ना, उससे अगले दिन एक और इफ्तारी पे यार हमने जाना था उधर भी भाईजान, फिर ये इसी पे गए हम सारे, तो बहुत गंदा हो गया भाई डाला। और बाकी मेरी करोला की भाई हालत देखो क्या हुई है, ये भी भाई काफ़ी गंदी हुई पड़ी है। खैर रशीद साहब जो है ना भाई गाड़ियाँ अभी चमका देंगे, बाकी अभी का शेड्यूल ये है कि भाई जिमी वाली जो सिविक है वो भाई साफ़ होगी और धूप में पार्क है, उसके बाद मेरी जो क्रूज़र है वो भी और रशीद की अपनी गाड़ी भी आ गई, पॉलिश भी होनी है ना, वो रशीद अभी कह रहा है कि भाई सारी एक दफ़ा धो देगा ना तो फिर लास्ट पे भाईजान पॉलिश करेगा। अरे एक मिनट सब्र करो यार, अब मैंने यहाँ से गाड़ी निकालनी है, जगह है, निकल जाएगी निकल जाएगी। चलो सही है जी, रशीद यार गाड़ियाँ चमकाए तो हम निकलते हैं भाईजान। अभी मैं आपको बताता हूँ भाई हम किधर जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हो कि भाई अकेला हूँ मैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ हम किधर जा रहे हैं, तो बताता हूँ भाई आपको बताता हूँ सारा सीन के यार मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ बंदे भी हैं। बंदे किधर हैं, बंदे मैं अभी आपको बताता हूँ। एक दफ़ा ना ज़रा गाड़ी इधर से बाहर निकाल लें, बड़ी टेक्निक से भाईजान गाड़ी निकालनी पड़ेगी इधर से, लेकिन निकल जाएगी। ठहरो एक दफ़ा भाई इधर से हम रिवर्स कर लेते हैं, रशीद की काम वाली गाड़ी है भाई, एवं अगर उसको हल्का सा टच भी हो गया ना तो रशीद ने तो कहना है भाईजान पैसे निकालो ना ज़रा, ये इसीलिए भाई रशीद इस गाड़ी का ना इतना ख्याल रखता ही नहीं है। देख रहे हो किस तरह गंदी हुई पड़ी है इसको, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। चलो बस ठीक है भाई, मेरे ख्याल से निकल ही आई है, या एक दफ़ा रिवर्स कर लेते हैं। ठहरो चलो भाई जान आराम से, भाई हमने गाड़ी इधर से निकाल लिया ना तो अब मसला नहीं है। ज़रा रशीद को भाई काम थोड़ा समझा दूँ ना मैं, फिर हमने तो चला जाना है वैसे भी। रशीद बात सुन, हाँ माइकल क्या हुआ है भाई? यार वो उसकी जो पॉलिश है ना वो मेरी गाड़ी की डिग्गी में पड़ी है वो मारी, ठीक है? अरे सही है, एक ही पॉलिश में यार सारी गाड़ियों पे मार दूंगा, अभी तो भाई इतना कीचड़ लगा हुआ ये डाले के टायरों पे, ये ही नहीं साफ हो रहा। चल चल साफ कर, तू साफ कर, हम फिर आते हैं। चल सही है माइकल, ओके फिर, ओके ओके। चलो भाई डॉक्टर साहब आ गए हैं, डॉक्टर साहब असल में भाई उधर गए हुए थे ज़रा रॉकी के पास, आ जाए जी डॉक्टर साहब बैठे हैं यार। अरे आ भी जाएं, क्या मसला है? आ जाएं डॉक्टर साहब बैठे। जी जी माइकल आ रहा हूँ भाई, बैठे बैठे, मैं ज़रा गया था रॉकी के पास यार थोड़ा। हाँ सही किया भाई, यार क्या कर रहे हैं भाई डॉक्टर साहब, बैठ ही नहीं रहे, ज़रा गाड़ी को बाहर निकालता हूँ फिर बैठे शायद, पता नहीं क्या यार गाड़ियों की चक्कर में पड़े हैं, उधर कहीं चले गए अब मेरी गाड़ी के पास। खुद ही देख के आऊं यार किधर चले गए हैं। डॉक्टर साहब आ भी जाए ना। जी जी माइकल आ रहा हूँ भाई, रशीद से बात कर रहा था। ओ भाई रशीद इधर ही है यार, उसने किधर जाना है, आके बैठे भाई जल्दी करें, अभी हमने जाना है भाईजान शॉपिंग भी करनी है यार, ईद है कल और हमारी शॉपिंग जो है भाईजान वो है ही कोई नहीं। चले चले माइकल यार, वो बस रशीद से थोड़ी डिस्कशन करनी थी गाड़ी से रिलेटेड। ओ यार गाड़ी से रिलेटेड बाद में डिस्कशन हो जाएगी। अच्छा अभी सबसे पहले ईद के कपड़े लेने जा रहे हैं। जी जी सबसे पहले ईद के कपड़े लेने चलते हैं ना, ठीक है फिर कपड़े लेके वापसी पे जब फ्री हो जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ियों की तरफ। ओके हो गया माइकल, ओके हो गया जी, बेस्ट है गाड़ी। जिमी कह रहा तो है कि भाई बड़ी पप्पू बनी है। चलें जाके देखते हैं भाईजान क्या बनी है यार। जिमी को बोला तो था कि भाईजान गाड़ी एक दफ़ा मेरी तुमने ऐसी मुझे करके देनी है ना, तो उम्मीद तो है कि भाई अच्छी की होगी। जी जी बिल्कुल ऐसी ऐसी है, मुझे भी कह रहा था कि भाई अच्छे से अच्छा उसने
मॉडिफिकेशन पार्ट लगाया है और लुक निकल आई है गाड़ी की। हाँ अभी उसने मुझे पिक्चर्स वगैरह भेजी नहीं है ना। नहीं ज़रा वो फिर सस्पेंस आपका ख़राब होता ना। पता नहीं यार ये BMW लास्ट टाइम किसने चलाई है। हटो इसकी सीट तो पहले सेट करें। जी जी कर लें माइकल कर लें। चलो भाई अब ज़रा सीट सेट होगी या ना तो अब भाई गाड़ी चलाने का ना सही मज़ा आएगा। पेट्रोल भी डालना है यार, पेट्रोल डाल लेते हैं। माइकल आपकी हिम्मत है भाई, एक गाड़ी निकाली उसमें पेट्रोल डाला, फिर जी दूसरी निकाली फिर उसमें डाला। बस डॉक्टर साहब फिर जब शौक से गाड़ियाँ रखो फिर यार ये चीज़ें तो फिर करनी पड़ती हैं ना। जी जी ऐसे ही है। तो यार थोड़ा सा ज़रा इसमें फ्यूल डालते हैं क्योंकि ये क्या भाई कभी कभार ही चलती है ना, तो इसमें ज़रा इसलिए मैं हाफ टैंक रखता हूँ ज़रा। माइकल फुल ही करा दिया फिर? बस वो फुल ही करा दी फिर यार, मैंने कहा चलें थोड़ा सी बार रह गई थी तो मैंने कहा चलो फिर फुल ही कर लेते हैं। हाँ ये तो है जी, फुल पे जो सेटिस्फेक्शन आती है ना। जी जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ सही तो मैं भी भाई गाड़ियाँ लेके आऊँ ना उधर से, बस फुल करानी है मैंने भी। आपका तो भाई पहले मेरे ख्याल से कितना क्वार्टर टैंक तो था। हाँ अभी पेट्रोल है तो सही भाई काफ़ी, लेकिन फुल करा लेते हैं ना जरा, आगे ईद के टेंशन आ रहे हैं तो बिजी होंगे ना उसमें। जी जी बिल्कुल ऐसी है। अब मुझे बताएं भाई सबसे पहले किस जगह जाना है? माइकल मैं तो कह रहा हूँ कि भाईजान वो हाईवे वाली साइड पे चलें। यार हाईवे वाले साइड पे फिर डॉक्टर साहब स्टॉक होता नहीं है उनके पास, पता नहीं आपको साइज़ का कितना मसला होता है हर दफ़ा। हाँ ये तो है, फिर इधर अंदर वाली साइड पर ही चलें। हाँ अंदर वाली साइड पर ही चलता हूँ। मैं देख रहा था यार ये गाड़ी भी बड़ी गंदी हुई पड़ी है। अरे अब टाइम नहीं था ना यार, अब इसको साफ़ कराते हैं कि अजीत की शॉपिंग करने जाए। हाँ ये भी है ना, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया असल में। जी जी बिल्कुल भाई, आज का ही दिन है यार, कल तो ईद है तो हर सूरत पे भाईजान आज यार हमने अब कपड़े लेने ही लेने हैं। हाँ कपड़े लेने हैं, मैंने ज़रा थोड़ी ट्रिमिंग शिमिंग भी करवानी है, वो चलें शाम को हो जाएगी, वो एक बार अपनी गाड़ियाँ ले आए ना। जी जी ठीक है, वो तो आप फिर बाद में करवा लेना, अभी भाई सबसे पहले ये जो कपड़ों वाला काम है ना ये तो हम करें ना। जी जी माइकल कपड़ों वाला काम जो है ना ये तो बड़ा ज़रूरी है। बस उधर ही जा रहा हूँ भाई, उसी शॉप पे जा रहा हूँ। इस टाइम तो रश होगा हर बंदा क्योंकि कपड़े लेने पहुँचे होगा ना जी। पता नहीं या फिर रश होता है कि नहीं, बाकी अब शॉप पे जा के देखते हैं फिर। हाँ देखते हैं माइकल जा के फिर। ये माइकल जिमी वाला कीड़ा आप में भी आ गया भाई। बस डॉक्टर साहब क्या करें भाई, ये जब इस गाड़ी में बैठो ना फिर इसलिए ज़रा थोड़ा हो जाता हूँ, वैसे मैं नॉर्मली चलाता हूँ। हाँ यार नॉर्मली चलाओ भाई, माइकल क्या गाड़ी बनाई हुई है यार। बनाने की क्या ज़रूरत है भाई, ये गाड़ी पहले से यार इतनी ज़बरदस्त है, इसको तो सिर्फ पाँव देने की देर है। थोड़ा इधर ज़रा आप चेक कराऊँ आपको शो। नहीं नहीं माइकल छोड़ें भाई, ये जिमी वाली हरकतें ना करें इधर। अरे भाई जिमी तो यार ज़रा प्रॉपर वीडियो शीडियो बनाता है ना, मैं कोई वीडियो शीडियो तो नहीं बना रहा। यार माइकल ना करो भाई ना करो, अभी किसी ने देख लिया ना। तो क्या भाई किसी ने क्या कहना है, मतलब गाल यही देगा भाई तो उसका ही रोज़ा ख़राब होगा, हमारा क्या है। हाँ ये बात भी है, बहरहाल ये है ना जी, वो कहेंगे कि भाईजान कोई लगता है यंग से लड़के आए हैं, आगे पता चले जी बूढ़े बाबे उतर रहे हो। यार बूढ़ा बाबा, मैं बूढ़ा बाबा हूँ भाई डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? नहीं मतलब छोड़ें यार, आप मुझे बूढ़ा बाबा कह रहे हैं। ओहो एज वाले मतलब यार माइकल। बस छोड़ो यार गाइस, आप लोग बताओ यार मैं कोई बूढ़ा बाबा हूँ? हैं डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं भाई मैं बूढ़ा बाबा हूँ। छोड़ें यार डॉक्टर साहब, सही है जी आपने भी यार आज बता ही दिया फिर। अरे यार माइकल मजाक किया मतलब यार। बस छोड़ दें भाई, चलो यार कपड़े पकड़ते हैं भाई ईद के लिए, क्योंकि भाई ईद की शॉपिंग जो है ना वो इस दफ़ा ज़रा मस्ट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ऐसा इतने अच्छे यार मेरे पास कपड़े हैं नहीं, ज़्यादातर मेरे पास फॉर्मल कपड़े क्योंकि भाई शोरूम का काम है ना अपना, वो कैजुअल जो है ना भाई वो फिर अब आज हम देखते हैं भाईजान इसमें से। ओके सो पैंट्स भाई चेक करते हैं भाई, फोन पे बातें लगी हुई है, क्या यार इसने शोर डाला हुआ है इधर, ये जो शॉपकीपर है। Emasculated husks of their former selves. डॉक्टर साहब बताएं कौन सी सूट कर रही है? Get you to keep his spirits up. ए माइकल देख लें जी, वाइट देखें वाइट. वाइट ठहरे भाई, वाइट ये ले। हाँ ये सही है माइकल, ये ले लें जी। चलें ले लेते हैं भाई, वे वाइट भी ले ली और कोई? हाँ ये तो अच्छी है ना माइकल, ये वाइट तो ले लें। जी जी वाइट ले ली है यार। माइकल शॉर्ट्स क्या करनी है भाई?
आगे गर्मी आ रही है ना जरा, मैंने कहा चलो भाई फिर अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो साथ ही कर लेते हैं। हाँ ये कैमोफ्लाज भी अच्छी है। हाँ जी अच्छी अच्छी है। अरे क्या ये क्या पहन लिया है? ओहो चेक कर रहा था वैसे ही जरा। अच्छा अच्छा चले सही है सही है। बाकी शर्ट्स में भाई डिजाइन चेक करते हैं कौन कौन से हैं। ये कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है यार, लेकिन ये ईद पे तो नहीं पहन सकते ना। हाँ ये भी है, ईद पे जरा थोड़ा नहीं अच्छी लगेगी ये। ये अच्छी है, ये फूलों वाली अच्छी है माइकल। ये वाली जी जी यही ले लूं फिर। ये वाली जी जी ले लें यार माइकल, ले लें भाई पहन के बहुत अच्छी लग रही है। चलें ले लेते हैं भाई, ये वाली भी ले लेते हैं। बाकी ये भी ले लें यार, ये ब्लैक वाली। इस टाइप की तो मेरे पास काफी सारी और भी पड़ी हैं। हाँ ले लें ले लें माइकल, अच्छी है ये भी। चलें ले लिया जी, और बताएं फिर डॉक्टर साहब आप जो जो कह रहे हैं ना भाईजान उन कपड़ों पे फिर भाई हम हाथ रखी जा रहे हैं। अच्छा ये भी भाई अच्छी है यार, ज़रा टेक्सचर डिज़ाइन में है। नहीं यार ये तो आगे कैजुअल। हाँ डॉक्टर साहब ये कैसी है भाई? माइकल ऐसी तो आपके पास है नहीं, पहले भी मुझे याद है शायद। हाँ 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 है, वो थोड़ी रेड कलर में है। हाँ वही, लेकिन नहीं ये सूट नहीं की माइकल, वो जो येलो वाली सूट की है ना वो अच्छी है। चले ठीक है भाई, वो तो ले लिया, बाकी और डिजाइन देखें। ये वाली है ना आपके पास? हाँ ये 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 असल में ना इनका रनिंग का आइटम है। सही, ये लोग डिमांड करते हैं इसकी, तो इसलिए ये वाला जो आर्टिकल है ना ये साथ साथ आता रहता है। अच्छा अच्छा बाकी आ जाए भाई, अब चलते हैं जरा शूज वाली साइड पे। जरा जूते भी भाई एक दफा फाइनल कर लेना, तो फिर भाई हमारी तो ईद की शॉपिंग डन है। माइकल जागर लें, जागर अच्छे लगते हैं। जी जी जॉगर ही देख रहा हूँ यार। नहीं 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 ये अजीब है, और ये भी माइकल बहुत अजीब है यार। अब देखना पड़ेगा ना फिर डॉक्टर साहब, जैसी यार इनके पास अब वैरायटी होगी ये देखें फिर। नहीं यार ये क्या मीटिंग पे जा रहे हैं? अरे यार फिर जॉगर इनके पास, यार जूते डॉक्टर साहब फिर इधर इनके पास मज़े के नहीं है इतने। देख लें फिर लोफर ही देख लें। जूते चलें किसी और शॉप से ले लेते हैं, जूते नहीं अच्छे हैं इनके पास। चलें सही है माइकल, देख लें जी और कुछ। जैकेट्स तो भाई अब सीज़न ही जा रहा है यार, जैकेट्स तो अब सेल पे लगाई हुई है उन्होंने इसीलिए। ये कौन सी शर्ट्स हैं भाई, ये भी चेक कर लें। नहीं चलें आ जाएं डॉक्टर साहब, शॉपिंग तो भाई हमने कर ली है। माइकल चलें ना जी, बैग बैग ले आना भाई, आप ले आए यार पीछे से। अच्छा अच्छा मैं ले आता हूँ यार। चलो खैर मेरी तो भाईजान ईद की शॉपिंग डन है। बाकी यार अब शूज रह गए हैं, तो अब भाई चलते हैं किसी पास स्टोर पे ना भाईजान, उधर से शूज भी लेने हैं। बाकी तो भाई कपड़े मेरे रेडी हैं, तो अब आपका भाई भाई आपको इन कपड़ों में नज़र आएगा ईद के पहले दिन। बाकी जो दूसरे दिन है भाई वो तो यार चलो मैं घर से भाईजान कोई ना कोई यार ड्रेस निकाल लूँगा। डॉक्टर साहब बैग रख दिया? जी जी रख दिया माइकल रख दिया। इतनी जल्दी किधर रखा है? डिगी में रख दिया ना। अच्छा अच्छा चलें सही है सही है। यार ज़रा नेविगेशन लगाते हैं भाईजान, इधर यार शूज़ लेने हैं ना ज़रा। माइकल देख लें भाई किधर से लेने हैं शूज़। यार वही देख रहा हूँ भाई, मुझे शूज़ की समझ नहीं आ रही। ध्यान से ट्रक है। जी जी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है यार। इसकी ब्रेकें यार मुझे थोड़ी सेट नहीं लग रही हैं। ब्रेकें क्यों भाई? अभी यार प्रॉपर इसकी ब्रेक्स का मैंने सेटअप किया है, ब्रेक पैड नए डाले हैं, सब कुछ नया। अरे नहीं नहीं इसकी नहीं, ट्रक की बात कर रहा हूँ। ट्रक को यार उसकी बेचारे की क्या ब्रेक्स होंगी। बड़ी आपने नोट कर ली है? हाँ फील हुई है यार, ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया ना फौरन ट्रक नहीं रुका। अच्छा जाने दें भाई, ट्रक की ब्रेक जैसी भी हैं आ जाएँ। बस इधर देखते हैं ना भाई, फिर इसके बाद चलेंगे सीधा भाईजान डॉक्टर साहब की गाड़ियों के पास, क्योंकि मुझे पता है भाई डॉक्टर साहब से ना वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। जूते चेक करते हैं भाई, असल में इनके पास भी ना ज़्यादातर फॉर्मल है, तो चलो इधर ये है कि भाई हमारे पास ना लोफर्स की अच्छी वैरायटी है। डॉक्टर साहब चेक करें भाई, बताएं इसमें। हाँ जाने दें माइकल और दिखाएं। ये कैसे हैं? देखें माइकल लग तो नहीं रहा पाँव। नहीं नहीं लग तो नहीं रहा यार वैसे उस तरह। चेक कर लें फिर, लग रहा तो अच्छा है शूज़। चलें ले लेते हैं भाई, एक मिनट अंगूठा भी ठीक है। माइकल ये लें यार, माइकल ये बहुत अच्छा जूता है। ये वाला ले लूँ? जी जी माइकल ये लें यार, ये अच्छा जूता है। चलो ये भी ले लेते हैं यार, और बताएं। जाने दे माइकल। जाने दे रहा हूँ भाई, बीच में अजीब अजीब बहुत हैं। ये कैसा है भाई, येलो ही कपड़े हों?
अरे नहीं यार, ये बहुत अजीब लगेंगे, पेंडू लगेंगे इसमें। चलें ठीक है, हाँ लोफर चेक करें, लोफर्स में। That material आ, लोफर्स में देखते हैं यार, कोई अच्छा डिजाइन अगर नजर आए ना। ये कैसा है? ये भी अच्छा है यार, वैसे मैले बहुत हैं। बस वाइट कलर है ना जी, वाइट का तो फिर ये सीन होता है। हाँ ये भी है, ये अच्छे हैं माइकल, ये अच्छे हैं, बड़े डिसेंट से। ये ले लूँ फिर? हाँ ले लें ले लें यार, ये ले लें। चलें वो भी ले ली हैं। बाकी यार ये ब्राउन भी बड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, चलो ये ब्राउन भी ले लेते हैं। ले लें माइकल, ले लें भाई। चलो यार ये भी अच्छे हैं वैसे। ये कैसे हैं डॉक्टर साहब? ग्रे लेदर लोफर्स, ये भी अच्छे लग रहे हैं यार। जो कुछ पहन रहे हैं माइकल, आप पे सूट कर रहे हैं भाई। ओह ये चेक करें ना भाई, स्नेक टेक्सचर में। ले लें यार, ये भी ले लें। चलें ले लिया भाई जान, ले लिया यार ये तो हमने। बाकी और इनके पास फिर ओल्ड आर्टिकल्स पड़े हैं, आ जाओ जी। ये भी ले लिए, तो बस भाई अब निकलते हैं जी सीधा। डॉक्टर साहब बड़ा वेट कर रहे हैं भाई इनकी ना जो गाड़ियाँ हैं। अब चलते हैं भाईजान, इनकी गाड़ियाँ लेके आते हैं, ठीक है। चले माइकल, ये भी रख दिए हैं भाई पीछे। यार डॉक्टर साहब सही फास्ट सर्विस है आपकी तो है। हाँ जी जल्दी है ना यार, जल्दी पड़ी हुई अब। हाँ मैं समझ सकता हूँ भाई, आपने भी अगर जाना हो ना ऐसे भाई गाड़ी की डिलीवरी लेने, तो मुझे पता है ना भाई आपकी जो हालत होगी। हाँ जी ये बात तो है यार, वैसे इंतज़ार नहीं होता बंदे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर 10 एक मिनट आए डॉक्टर साहब, ज़रा ATM से होके आना है, हो लूँ? हाँ हो लें यार, कोई मसला ही नहीं है। ज़रा वो मैंने कहा ईदी देनी होगी ना यार, ईद वाले दिन, तो चेंज ले लूँ ज़रा। चले ले 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 लें भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। चलो यार ज़रा इधर, मैंने कहा बैंक से ना चेंज ले लें पहले, क्योंकि ईद के दिन है भाई, आपको पता है फिर ईद के दिनों में ना भाईजान चेंज बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। डॉक्टर साहब इधर ही गाड़ी लगा रहा हूँ ना, फिर आप बेशक गाड़ी में बैठे हैं। जी जी मैं गाड़ी में हूँ यार, गाड़ी स्टार्ट रहे। जी जी स्टार्ट है। आप ले हैं भाई चेंज, आपको तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं माइकल मुझे नहीं चाहिए, आप ले आओ। चल मैं ले के आता हूँ भाई। चलो भाई ज़रा चेंज पकड़ के लाए ना, फिर उसके बाद सीधा चलते हैं भाईजान मिनी मैकेनिक पे। चलें डॉक्टर साहब आ जाएं भाई, बैठे हैं यार। जी जी माइकल बैठे बैठे हैं भाई। ATM ही नहीं चल रहा भाईजान, ये वाला जो ATM है ना वो तो भाई ख़राब हुआ है। बस ईद के दिनों में माइकल ये ऐसे ही करते हैं भाई। असल में भाईजान लोड भी बहुत होता है ना भाई, हर कोई फिर बैंक पहुँचे होता है, तो इस वजह से भाई ATM जो है ना आउट ऑफ सर्विस हुए हुए हैं। फिर अब क्या करना है माइकल? अरे देखते हैं भाई अब क्या करना है। ये इस इलाके में है कोई ATM? माइकल यू गॉट लकी बडी, पूछना पड़ेगा। चले पूछते हैं ना भाई, अभी तो जो काम पहले आए हैं पहले वो तो करें। आय हाय 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 हाय, बस बस माइकल गाड़ी लगा दे भाई इधर ही साथ। गाड़ी तो बाद में लगाता हूँ ना, सब्र तो करें, मुझे तो उतारें भाई। ये ले भाई, चलें लगा दिए खुश। हाय हाय हाय, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया यार, क्या बात है माइकल? गाड़ी तो चेक करें भाई, क्या लेवल की बना दी है। क्या बनाई है? बस रिम ही चेंज की है। ओहो रीबर्थ? हाँ रीबर्थ, ज़रा मैं देखूँ ना भाई। जिमी को जैसे मैंने बोला था भाई, इसने वैसे ही किया है, स्पॉयलर ब्लैकआउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिम्स मैंने इसको बताए थे कि भाई जान ये वाले इमोशन आर के रिम्स डालने हैं। यार माइकल फिट लग रहे हैं भाई, 18? जी जी 18 के रिम्स हैं यार, बहुत प्यारी लग रही है माइकल गाड़ी तो। जो बात है डॉक्टर साहब, लग ही नहीं रही कि भाईजान ये वही गाड़ी है। हाँ ना माइकल चेक करें ना जी। चलें चेक करते हैं भाई, बाकी ये देखें। एक मिनट ज़रा जिमी से चाबी लेके आए ना। हाँ मैं एक मिनट यार चाबी लेके आता हूँ ज़रा। चलो भाई जिमी साहब से ज़रा चाबी लेके आते हैं भाई गाड़ी की। ये क्या शुरू हुए हुए हैं भाई इधर जिमी? अरे जी जी पापा आ गए, आपका ही वेट कर रहा था। हाँ हाँ हम तो आ गए भाई, इस गाड़ी को क्या करना है? पापा ये एक स्विफ्ट आई हुई है भाई, इसके बम्पर अपलिफ्ट किए हैं, वो दिखे ना जरा। बम्पर अपलिफ्ट? जी जी चेक करें ना भाई, ठहरो। अच्छा अच्छा हाँ 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 चेक करें पापा, किट लगाई है ना, नए बम्पर आए हैं ये मार्केट में। मैं समझ गया भाई, ये GLX है ना? जी जी GLX है भाई। अच्छा मेरी बात सुनो यार, वो डॉक्टर साहब की सिविक की चाबी दो ना। कौन सी सिविक की? डॉक्टर अंकल की सिविक है ना यार, एक तो रीबर्थ की डॉक्टर साहब की।
जी जी पापा, ये लें भाई, रिबर्ट की चाबी, चेक करें सारे सिस्टम ओके वर्किंग कंडीशन में। चलो देखते हैं भाई, डॉक्टर साहब वही देखने आए हैं ना। जी जी चेक करें भाई। चलें जी, आ जाएं डॉक्टर साहब। ये लें भाई चाबी, मैं ले आया हूँ, ज़रा चेक करते हैं ना भाईजान, जो जो जिमी ने यार काम किए हैं। उम्मीद तो है कि भाई अच्छे से अच्छा काम किया होगा भाई जिमी ने। कल क्या बात है जी, इंटीरियर तो चेक करें ज़रा। डॉक्टर साहब बताया था ना कि भाई भाई जो गाइड करेगा ना एक दफ़ा जिमी को, गाड़ी आपकी ऐसी बन जाएगी। बताएं फिर अच्छा फैसला किया उस टाइम या नहीं। माइकल बहुत अच्छा फैसला जी, चले स्टार्ट तो करें अब, क्या देखते ही रहना बैठ के। जी जी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ भाई, स्टार्ट भी कर रहा हूँ। क्या बात, ज़रा पाँव दें। ये ले यार, बड़ी डिसेंट सी साउंड है ना, बहुत शोर भी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यार। अच्छा ये रिमोट भी लग गया इधर। ये रिमोट है डॉक्टर साहब एयर का। है एयर? हाँ हाँ एयर। अच्छा 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 इधर दिखाए ना ज़रा रिमोट है। ये देखें ये चीज़। ओह क्या बात। बाकी इस बटन से डॉक्टर साहब गाड़ी ऊपर हो जाती है। ओके माइकल ठीक हो गया। और इससे नीचे होगी। यार ज़बरदस्त भाई, डाउन करके चलाएं ज़रा। जी डाउन करके चलाते हैं ज़रा, मैं थोड़ा इसकी ना ड्राइव लेना चाह रहा हूँ। जी ले भाई, चेक करें यार इसकी एरिया में भाईजान, ज़रा ड्राइव लेके देखते हैं ना थोड़ी गाड़ी की। मैं चेक करना चाह रहा हूँ, फील तो नहीं आती कि भाई कि एक्सीडेंटेड थी। ये अक्सर ऐसे होता है ना कि भाईजान कुछ गाड़ियाँ जो है ना भाई, वो फिर चलते हुए भी ना भाई सीधी नहीं चलती, लेकिन इसका मुझे ऐसा कोई सीन लग नहीं रहा। नहीं यार इसका माइकल, इसमें फ्रेम तो ठीक था ना। हाँ फ्रेम तो यार इसका ठीक था, लेकिन फील नहीं करा रही वैसे। हाँ फील तो करा ही नहीं रही भाई। चले एक मिनट यार, इधर से मोड़ लेते हैं ना ज़रा, आए ड्राइव करें। माइकल आगे मैंने ड्राइव करनी है भाई, अभी आप चलाएं ज़रा, तसल्ली करें अपनी। अगर कोई छोटा मोटा काम होने वाला हो तो अभी गाड़ी इधर ही है ना, ज़रा कुछ करा लें। चले देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैं वही चेक करूं, ब्रेक शेक्स भी बिल्कुल A1 हो गई हैं। खैर जिमी को भाई जैसे मैंने बोला था भाई, काम तो इसने बिल्कुल वैसे ही कर दिया है। हाँ जी माइकल, काम तो भाई एक नंबर काम हुआ है सारा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कुछ कराना है और? नहीं यार डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से भाई और तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चले अब आ जाएं भाई जान, दूसरी को चेक करते हैं ज़रा। हाँ जी उसका चेक करते हैं भाई, उसमें भी ज़रा ऑप्शंस लगवाए हैं ना थोड़े बहुत। थोड़े बहुत तो नहीं, काफ़ी ऑप्शंस आपने लगवाए हैं। हाँ बिल्कुल। आ जाओ जी डॉक्टर साहब की यार, अब जो दूसरी गाड़ी है ना उसको चेक करते हैं। माइकल चाबी ले आना उसकी। जी मैं लाता हूँ। एक मिनट भाई, जिमी को बोलें यार अब ज़रा डॉक्टर साहब की जो 11 जनरेशन है उसकी चाबी दे। जिमी जी पापा बताएं भाई, और क्या करने वाले हैं गाड़ी में आपको जो कुछ लग रहा हो? नहीं गाड़ी बिल्कुल पैक है सारा कुछ यार, ज़बरदस्त A1 है। सिर्फ अब तुम मुझे 11 जनरेशन की चाबी दो ना, उसको भी चेक करें ज़रा। जी चेक करें भाई, उसमें भी एयर लगाई है ना। हाँ मैं वही देखना चाह रहा हूँ भाई, बोट लेवल की एयर लगी है पापा उस पे, और जो लुक निकलती है ना, ओह चेक करें ये लें। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। डॉक्टर साहब आ जाएं भाई, आ जाएं, अब आपकी ज़रा जो 11 जनरेशन है इसको चेक करते हैं। यार बहुत गंदी हुई पड़ी है, ये देखो ना टायर्स की क्या हालत पड़ी है इसके। आ जाएं जी बैठें। हाँ जी माइकल बैठ रहा हूँ भाई, इसको मेरा दिल है माइकल, ये गाड़ी मैं स्टॉक रखूँगा। हाँ ये गाड़ी स्टॉक भी भाई बहुत लेवल की लग रही है। ज़रा डाउन करें। ये लें। आए ज़रा बाहर से चेक करें भाई, क्या लुक लग रही है। जी चेक करें भाई, इस रिम पे तो डाउन बहुत प्यारी लगेगी। ओए माइकल यार, क्या लेवल लग रही है भाई, ज़बरदस्त। फिटमेंट चेक करें ना भाई, जो जिमी ने फिटमेंट बनाई है, क्या बात है। डॉक्टर साहब आए यार ज़रा, इसको यार साफ ही करवाते हैं, बहुत गंदी हुई हुई है। आज डॉक्टर साहब बैठे हैं भाई, इसको ज़रा साफ़ करा के लाते हैं। चलें यार, ये तो रीबर्थ से भी डाउन लग रही है मुझे। ऐसी है भाई, ये तो मुझे रीबर्थ से भी डाउन लगी है मुझे खुद। माइकल रिवर्स कर लें भाई, आगे ना लगे। हाँ एक मिनट ठहरें भाई, इधर से रिवर्स कर लेते हैं।
चेक करें ना ज़रा लुक्स भी और ड्राइव में क्या डिफरेंस है। जी जी देखते हैं भाई। एक तो खड़े बहुत हैं यार इस जगह पे। ऊपर कर ले माइकल थोड़ी। जी जी ऊपर ही कर रहा हूँ यार, एक मिनट। चलो बस निकल जाएगी भाई। काफ़ी गंदी हुई है ना, मैंने कहा भाईजान ज़रा गाड़ी साफ़ करा के लाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतना प्यारा कलर है दोनों गाड़ियों का, ये चमकी भी अच्छी लगती हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसी बात ही है यार। अभी आप भाई हम घर जाते हैं ना, ज़रा गाड़ी लेके आपको दोनों गाड़ियाँ भाईजान उस्ताद जी ने चमका के देनी थी। उस्ताद जी के तो जी क्या ही कहने हैं, रोज़ा रख के पूरा दिन भाई गाड़ियों के साथ लगे रहते हैं। बस जी फिर उस्ताद जी का लेवल है ना फिर। जो बात है माइकल। चलो जी आप ज़रा इसको इधर से साफ कराते हैं। माइकल फुल डाउन करें, ज़रा फुल फुल डाउन करें ये ले। बाजी चलो जी आ जाएं जी आप गाड़ी को। यार ज़रा हम पहले वॉश करवा लेते हैं ना अभी भाई, गाड़ी की हालत आप देख रहे हो भाई क्या बनी पड़ी है। तो अब एक दफ़ा जब गाड़ी वॉश होके आएगी ना फिर आप लोगों ने चेक करना है। डॉक्टर साहब आपने भाई क्या करना है कपड़ों का? माइकल मेरे भाई कपड़े आ जाएंगे यार, मेरा मसला नहीं है। ज़्यादा आपका मसला था भाई, मुझे आपकी टेंशन थी। मेरा तो खैर है भाई, चल जाते हैं। चलें आपके तो भाई कपड़े आ जाएंगे। वो असल में मैंने तो ऑर्डर पे बनवाए हैं ना भाई, स्पेशल इस दफ़ा आ रहे हैं। अच्छा जी जी आपने बस देखने हैं भाई के कपड़े। चलें जी क्या बात है भाई, गाड़ी अगर ऐसी हो ऊपर से भाई अगर कपड़े भी आप, मैं कहता हूँ सिल्वर ही पहन लें तो क्या ही बात है डॉक्टर साहब। माइकल गाड़ी लगाए ना साइड पर करके, ज़रा पिक्चर्स तो लें इधर। एक मिनट ठहरें भाई, लगाता हूँ यार। इधर लगाएं ज़रा रिवर्स करके। जी जी लगा रहा हूँ भाई। बस सही है माइकल, इधर चलें आ जाओ जी। इसको ज़रा अंदर कर लें क्योंकि ज़रा जब भी भाई इस इलाके में आना हो ना तो मेरी कोशिश होती है कि भाई घोड़ा साथ लाऊं। ओह क्या हालत बनी पड़ी है बैग्स की, देखें ना ज़रा। बस जी फिर अब जहरी बात है फिटमेंट ऐसी है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। थोड़ा साइड पे होना डॉक्टर साहब यार। माइकल ले ना मेरे साथ पिक्चर लें। अच्छा ये लें कैप्शन लगाऊंगा ना जी, द आर्टिस्ट, और साथ आगे द आर्ट लिख के एरो लगाऊंगा गाड़ी के ऊपर। सही है जी बहुत बेस्ट। अब ज़रा गाड़ी भाई चमक गई है ना, तो अब भाई चलते हैं वापस वर्कशॉप पर। एक मिनट यार फुल ज़रा ऊपर कर लें अब। बस चलो आप ज़रा फुल पे ड्राइव करते हैं। ये है ना कि भाई डेली ड्रिवन आप इसको बेशक स्टॉक हाइट पे चलाएं और जब कभी कहीं कोई पिक्चर वीडियो बनानी हो या शौक हो तो भाई टॉप डाउन कर ली। जी जी ऐसी है माइकल, एयर सस्पेंशन ही हुई ना भाई, जहाँ कहीं पार्क की उधर डाउन कर दी। जी 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 बिल्कुल ऐसी है, इसीलिए मैंने बड़ा सोच के मैंने कहा भाई जान चलो यार अब इस गाड़ी में ज़रा थोड़ा यूनिक काम करते हैं, एयर डालते हैं। और कुछ भी नहीं किया मैंने इसीलिए। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया यार, इसकी वैसे ही इतनी प्यारी लुक्स हैं तो सही किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। ये तो दोनों अच्छे काम हो गए हैं माइकल, वो जो आपने उधर मुझे करा के दिया ना उस पे। बस डॉक्टर साहब भाई ने बताया था ना, फिर भाई जो चीज़ बताया तो फिर आपको माननी चाहिए ना। जी जी माइकल मानते हैं भाई, मानते हैं बिल्कुल। चलो भाई इसको यार अब हम इधर ही पार्क कर देते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, कुछ करवाना तो नहीं है? और माइकल A1 हो गया भाई, मैं कहता हूँ दिल खुश कर दिए जिमी और फैजी ने, सही बात है जी। बस आपको बोला था ना कि भाईजान जैसा काम अपनी वर्कशॉप पे होता है वैसे अब बाहर तो नहीं हो सकता ना। जी 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 माइकल बिल्कुल ऐसी है यार, ऐसी है। चले आ जाए भाई अंदर यार, ज़रा जिमी और फैजी से भाई चल के थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि भाई इनका क्या प्लान है। इन्होंने कोई कपड़े जूते नहीं लेने ईद के? क्या गाड़ियों में ही लगे हुए हैं उस टाइम के? हाँ जी पापा आ गए हैं। हाँ हाँ मैं तो आ गया हूँ भाई। पापा चेक किए दोनों गाड़ियाँ? दोनों बेस्ट हैं भाई, ज़बरदस्त सीन हो गया। मुझे ये बताओ भाई आज चांद रात है और कल ईद है। जी जी पापा पटे। तो तुम लोगों के कपड़े नहीं है क्या? अरे कपड़े पापा लिए हुए हैं ना यार, वही। कौन से? अरे वही यार जो अभी लिए थे पहले। कौन से यार? यार पापा भी थोड़े दिन पहले जो लिए हैं। तो ईद के तो नहीं है वो? अरे चल जाएंगे पापा, कोई नहीं यार, खैर है ये तो कोई पुराने पहन लेंगे। यार जिमी, अरे पापा खैर है कोई बात नहीं, पैसे ऐसी क्या लगाने। सही है जी सही है, ये जो तुम्हारा माइंड सेट है ना पता है मुझे, कपड़े ना लो तो भाई गाड़ी पे लगा दो कुछ ना कुछ,
बस पापा कहते हैं कि भाई चलो अपनी, अगर हम अपने ऊपर पैसा ना लगाएं, अपनी जान पे पैसा लगा ले बंदा है, नजर आए ना भाई, पता चलता है ना, शौक शौक की बात है। गाइस आप बताओ भाई, पापा को सही बात कर रहा हूँ ना भाई, कपड़े जूते का क्या है भाई, खैर है यार, लेकिन गाड़ी पे जब पैसे लगे ना भाई, पता चलता है ना। अच्छा भाई सही है यार, तुम्हारे साथ तो बात करने में भाई मैं नहीं जीत सकता, एक से एक लॉजिक जिमी तुम्हारे पास है। अभी खैर बताओ इस गाड़ी का कितना काम रह गया है? बस पापा हो गया भाई, वो एक लाइट फिट करनी थी आगे बम्पर की, अब वो कर रहे हैं बस। अच्छा, खैर यार मैं तो भाई निकल आया था यार दुकान से, अभी जा रहा हूँ भाईजान मैं तो बार्बर के पास, बाकी माइकल लोग जो है ना भाई वो तो दुकान बंद करके चले गए हैं भाई घर, और गाड़ी जो है ना मेरी दूसरी वो भाई फैजी ले गया, वो छोड़ देगा भाईजान अपने घर, ठीक है वहाँ से फिर मैं ले जाऊँगा। चलो भाईजान अभी तो यार ज़रा पहले इधर से बाल शाल तो सेट कराए ना, चांद रात है भाई, रश भी सही होगा वैसे। इधर गया नाई, और ये रहा पीछे रह गया भाई, एक मिनट ठहरो, इधर आगे से भाई यू टर्न लेते हैं ना ज़रा, अभी तो भाईजान लोग गाड़ी को देख रहे हैं मोड़ मोड़ के कि भाईजान ये कौन सी गाड़ी आ गई है हमारे लास्ट सेंटर्स में। है आ गया जी बार्बर, ये रहा, एक मिनट ये अपनी गाड़ी को पहले इधर लगा के जाते हैं ना ज़रा, ठहरो ज़रा अंदर करके लगाते हैं ना भाई, ताकि गाड़ी बाहर ना आए बिल्कुल भी। चलो जी बेस्ट हो गया जी, इधर पार्क रहे, अगली गाड़ी भी ऐसे निकल जाएगी ना, फुल डाउन करके जाते हैं। चलो चेक करो क्या लुक लगती है, वैसे डाउन हुई भी ना गाड़ी की, जबरदस्त। चलो भाई खैर अब मैं यार ज़रा थोड़े बाल शाल सेट करा लूँ, ठीक है फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से बाद में। तो अभी ज़रा जाके अंदर देखें तो सही, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, रश होगा लगता है, चलो अंदर जाके देखते हैं फिर। तो यार आपको हम सब की तरफ से चांद रात मुबारक हो। तो आज तो भाई अब सही बात है, इतना बिजी दिन गया है ना, आज ही भाई मैंने शॉपिंग की है। वैसे ये है कि भाई शॉपिंग जो है ना मैं जल्दी कर लेता था, लेकिन इस दफ़ा ये है कि भाई थोड़े हम लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, शॉपिंग वगैरह यार हमने फुल डन कर ली है। और मेन जो मसला था ना कि भाई डॉक्टर साहब की गाड़ियाँ जो थी ना, वो मुझे था कि भाई ईद से पहले पहले रेडी हो जाएं, फाइनली वो भी भाई काम हमारा हो गया। तो खैर चलो गाइस अब आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी देखो भाईजान फ्रैंकलिन साहब वो बैठे हुए हैं भाई मज़े से बेड पे, पूरा दिन भाई टीवी देखता रहता है, इसका अब कोई काम ही नहीं है ना भाई करने को, बिल्कुल रेस्ट पे जो है फिर। चलो खैर जाके भाई इससे अब मिलते हैं, बेचारा कल भी गिला कर रहा था कि भाई मेरे पास अब कोई भी नहीं बैठता, सारे अपने काम काज में लगे रहते हैं। चलो अभी मैं जाता हूँ भाई अपने भाई के साथ बैठता हूँ, ज़रा गपशप मारते हैं थोड़ी।